आयुष्मान योजना के तहत इलाज में झारखंड की राजधानी रांची ने मिसाल कायम की है। रांची का मॉडल अब देश भर में लागू होगा। इसकी घोषणा बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO डॉक्टर RS शर्मा ने की। घोषणा से पहले उन्होंने सदर अस्पताल का निरीक्षण भी किया और आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल में हो रहे इलाज और व्यवस्था को समझा। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि आयुष्मान के लाभुकों को अपनी पहचान के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए सभी लाभुकों को मुफ्त टोकन दिया जाएगा। कई कार्ड मिले जिससे कि वो जब जाए अस्पताल उसको दिखा के कह सके कि मैं आयुष्मान भारत का बेनिफिशियरी हूं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड हम लोग बांटे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि देश भर में आयुष्मान के तहत ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स को जोड़ा जाएगा। वहीं क्लेम के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि अगर किसी हॉस्पिटल के क्लेम में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है तो उन्हें ग्रीन चैनल में शामिल किया जाएगा। वहीं आयुष्मान भारत योजना के नाम बदले जाने पर भी डॉक्टर शर्मा ने अपना विचार रखा। दूसरा काम हम लोग ये चाहते हैं ज्यादा ज्यादा अस्पताल भी इसमें शामिल हों, बिकॉज अगर अस्पताल शामिल नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं, बिना अस्पताल के तो इलाज होगा नहीं लोगों का। तो ये दूसरा काम हम लोग कर रहे हैं। तीसरा काम हम लोग कर रहे हैं कि रेट्स जो हैं पैकेज के रेट्स वो रीजनेबल हों। ये नहीं होना चाहिए कि बहुत कम रेट्स हों तो अस्पताल उसका इलाज करेंगे नहीं। मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल तो कर देंगे, लेकिन क्योंकि वहाँ तो हर एक आदमी का फ्री में इलाज होता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं करेंगे। और हम लोग चाहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भागीदारी इसमें हो। तो तीसरा ये, और चौथा हमने किया है कि जो लोग क्लेम सबमिट करें हॉस्पिटल, उनके क्लेम का निपटारा बहुत जल्दी हो। ये नहीं होना चाहिए कि वो क्लेम आया तो क्वेरी आ गई, उसमें फिर क्वेरी पे क्वेरी और तीन तीन महीना लग रहा है। तो हॉस्पिटल को लगता है भाई मैंने तो अपना पैसा खर्च कर दिया, मैंने तो अपना हॉस्पिटल का ICU का बेड दिया, उसको इतने दिनों तक इलाज किया, लेकिन मेरे इलाज का बिल का भुगतान हुआ नहीं। तो बिल का भुगतान जब पेंडिंग रहता है तो आदमी को थोड़ा कष्ट होता है, तो वो कम उसमें कम टाइम करें। चौथा हम लोग कर रहे हैं उसी में, अगर कोई हॉस्पिटल जिसका क्लेम में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है पिछले कुछ समय से, उसको हम लोग ग्रीन चैनल में डाल देते हैं। ग्रीन चैनल में डालने का मतलब है 50% पैसा उसका हम इमीडिएटली जैसे ही क्लेम सबमिट करता है वैसे हम पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारी तो कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप है। ऐसा तो है नहीं कि आज एक क्लेम सबमिट करके ख़त्म हो जाएगा, वो तो क्लेम सबमिट करता है हम पेमेंट करते हैं, तो हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि पहले भी पैसा दे देंगे, मान लीजिए बाद में वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं, दूसरे क्लेम से हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इसलिए हमने ग्रीन चैनल का कॉन्सेप्ट चलाया है। तो यही 4-5 स्टेप्स हम चाहते हैं लें, और यहाँ पर झारखंड में सारे स्टेप्स वो लिए जा रहे हैं पहले से ही सचेत हैं हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब, जो SHO सब लोग हैं। तो हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि किस तरह से ज़्यादा लोगों को हम लोग कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।